Hello student, welcome to official YouTube channel of AK Public School Bokaro. आज हम लोग class 4 का computer पढ़ेंगे. Computer में chapter 6 पढ़ेंगे. इसका नाम है Introduction to PowerPoint 2013. चलिए start करते हैं chapter. Close the presentation. Presentation को कैसे close करते? To close the presentation, the steps are as follows. Click the file tab. The backstage view appear. Click close in the play plane. If the presentation has not been saved, a message box will be appear display. Ask you to save the change you have been made. Click the save you want to save the change. Click do not if you do not want to save the change. Click cancel if you want to return the presentation. देखिए इसके लिए आपको क्या होगा, इससे देखेगा आपको. हम लोग फाइल में जाएंगे, फाइल में हमको क्लोज में जाएंगे तो वो बंद हो जाएगा. दूसरा जब हम लोग क्रॉस डालेंगे तो वो क्रॉस करेंगे तो वो वाला इस तरह का मेन्यू दिखाएगा आपको, मैसेज बॉक्स दिखाएगा. Want to save you change presentation, जो change हम लोग change किए हैं presentation में, क्या आपको save करना चाहते हैं, नहीं save करना चाहते हैं, cancel करना चाहते हैं, वापस से पेज आना चाहते हैं. अगर हम लोग change करना चाहें तो change कर लेंगे, save कर लेंगे तो वो जो change किए वो save हो जाएगा. अगर हम नहीं करना चाहेंगे do not save, तो वो change हुआ वो नहीं save होगा. अब cancel है, हम लोग वापस से उस पेज में आ जाएंगे. अब क्या है, ओपन एक प्रेजेंटेशन को कैसे ओपन करते हैं. तो ओपन प्रेजेंटेशन स्टेप आर एस फॉलोस. क्लिक द फाइल टैब, द बैक स्टेज व्यू अपेयर. क्लिक ओपन इन द लेफ्ट पैन. सेलेक्ट द कंप्यूटर एंड देन क्लिक द ब्राउजर. द ओपन डायलॉग बॉक्स अपेयर. सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डिवाइस, फॉलो फोल्डर एंड द फाइल एंड क्लिक ओपन. देखिए इसमें हम लोग जाएंगे, पहले हम लोग इसमें जाएंगे, फाइल में जाएंगे. फाइल में इस सब आएगा, बहुत सारे ऑप्शन हम लोग ओपन में क्लिक करेंगे. ओपन क्लिक करते ही आपको ये वाला बॉक्स आएगा, ठीक है, कि आपको कहाँ पर आपका ब्राउज़र है वहाँ पर हम लोग जाएंगे, जहाँ पर हम लोग जैसे सेव यहाँ पर किया हम लोग क्लिक करेंगे. क्लिक करते ही हम लोग वहाँ पर ओपन में क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हम लोग प्रेजेंटेशन का खुल जाएगा. इस तरह से हम लोग खुल जाए, ऐसे में खुलता है. कुल टिप क्या है, देखिए इफ़ यू हैव ओपन प्रेजेंटेशन रिसेंटली यू कैन ब्राउज योर रिसेंट प्रेजेंटेशन लिस्ट अदर देन सर्च ऑफ द फाइल. हम लोग सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ रिसेंट हम लोग देख सकते हैं. और मूविंग थ्रू द स्लाइड को कैसे मूव कर सकते हैं. यू कैन यूज द प्रीवियस स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड बटन ऑन द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार इफ द प्रेजेंटेशन इज मूव थ्रू द स्लाइड. हम लोग जहाँ हम लोग स्लाइड को मूव कर सकते हैं इस तरह, यहाँ पर आपका प्रेजेंट स्लाइड बटन रहता है और नेक्स्ट बटन रहता है. प्रीवियस स्लाइड हम लोग क्लिक करेंगे तो प्रीवियस पहले वाला दिखाएगा और नेक्स्ट में दूसरे वाला दिखाएगा. अब स्लाइड शो कैसे करते हैं. ए सीरीज ऑफ स्लाइड प्रेजेंट ऑन वन आफ्टर अदर इज कॉल्ड स्लाइड शो. सीरीज रहता है स्लाइड्स का, प्रेजेंट रहता है वन आफ्टर अनदर, इज कॉल्ड स्लाइड शो कहते हैं हम लोग. To add the more slide, you can insert them in your presentation. A slide show can be a very useful tool for such teaching, sharing and learning. देखिए slide show बहुत जो है काम आता है, किसके लिए useful रहता है, tool के लिए, teaching के लिए, sharing करने के लिए और learning करने के लिए, पढ़ने के लिए. अब है क्या है आपका, ऐसे करते हैं इसको. ए स्लाइड शो कैन बी स्टार्टेड इन एनी एंड ऑफ द फॉलोइंग. क्लिक द स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग बटन और द क्विकली एक्सेप्ट टूल बार और प्रेस F5 ऑन द कीबोर्ड. क्लिक द स्लाइड शो बटन एट द बटन ऑफ द पावर पॉइंट विंडो टू ब्रिंग द स्लाइड फ्रॉम द करंट स्लाइड. क्लिक द स्लाइड शो टैब. नाउ क्लिक द फ्रॉम बिगनिंग बटन इन द स्लाइड शो स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप. इसका बहुत सारा चीज़ है स्लाइड करने का. पहले हमें एक्सेस
टूल बार में जाएंगे, वहाँ स्लैश शो बटन है, वहाँ पर हम लोग जब बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से वहाँ क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। या हम लोग F5 प्रेस करेंगे, अगर वो एक्सप्रेस प्रेस करके भी आपका स्लैश शो स्टार्ट हो जाएगा, या हम लोग इसका स्लैश शो बटन डालेंगे, कहाँ रहता है देखिए, ये आपका स्लैश शो बिगनिंग में क्लिक करेंगे तो वो आपका बिगनिंग से आपको वहाँ पर स्लैश शो बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगा दिखाना आपका कंप्यूटर में। चलिए ये जो है आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब सारा को पढ़िएगा, सारा सब्जेक्ट को पढ़िए, चैप्टर टॉपिक का पढ़िएगा, चैप्टर का नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।